यह क्वेश्चन आईआईटीजेई 2016 में मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका मास m है और इस डिस्क का मास 4m है और ये दोनों का जो सेंटर है उनको मिलाने वाली एक्सिस के साथ ये फिक्स है और ये पूरा एग्जांपल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जेड एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो और क्वेश्चन में ये जो लेंथ एल है और इसका रेडियस वेक्टर, इसका रेडियस जो ए के बराबर है और इसका रेडियस 2a के बराबर था और क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि जो एल है दोनों की जो बीच की दूरी है रूट 24 ऑफ ए के बराबर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताइए कि पूरे एग्जांपल के एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट जो जेड डायरेक्शन है वो कितना होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या पूरे एग्जांपल का एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे इस जेड के डायरेक्शन में चाहिए, जेड के डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे जो कि ओमेगा वन है और ओमेगा वन इस ओमेगा के टर्म में पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा, तो इसके अब एक टर्म्स हम यूज़ करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगी। तो इस पूरे डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, पूरे कोन की जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, उसको आप ओमेगा नेट लिख सकते हैं और ओमेगा जो नेट होगा वो इस फंक्शन को गवर्न करेगा, ओमेगा ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस एन प्लस ओमेगा ऑफ एक्सिस, ओमेगा ऑफ एक्सिस लिख सकते हैं। इस पूरे डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी अपने एक्सिस के अबाउट तो ओमेगा है प्लस इस एक्सिस का ओमेगा इस जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा वन है, तो आप नेट ओमेगा आप इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ये ओमेगा घूम रहा है ऐसे तो डायरेक्शन इधर होगा, तो ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, तो बनेगा ओमेगा कॉस थीटा आई कैप। और इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो अप्रोच है। तो सबसे पहले तो हम मेथड वन यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे मेथड टू। तो ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस एन के साथ, दूसरा बनेगा ओमेगा साइन थीटा इंटू जे कैप, ये तो ओमेगा डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस बन गया। एन प्लस एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा वन है, तो ओमेगा वन इंटू अब घूम रहा है ऐसे तो ओमेगा वन इंटू के कैप लिखेंगे। अब एक सेकेंड, इसका कंपोनेंट जब आप इधर बनाएंगे ना तो ये बनेगा माइनस ओमेगा साइन थीटा के कैप, तो ये जो फंक्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई कैप और यहाँ से के कैप आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये बनेगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा साइन थीटा बन गया। अब चूंकि मुझे ओमेगा और ओमेगा वन में रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है, तो ये पूरा डिस्क जो घूम रहा है तो उसके बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस, इस स्टैंड पे जो एक्स एक्सिस है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस का रूल प्ले कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रूल प्ले कर रहा है। पूरी की पूरी एग्जांपल इस जेड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है। तो अब एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि वेक्टर वी इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस ओमेगा, लेकिन ये फॉर्मूला में जो भी होता है उस एग्जांपल्ड पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ ये ओमेगा इस पूरे एग्जांपल की नेट एंगुलर वेलोसिटी होगी और जो आर होगा उस पार्टिकल का पोजीशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पार्टिकल की भी जो आता है वो नेट वेलोसिटी आती है, यहाँ पर हम ये नहीं समझेंगे ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अब तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इस डिस्क पे इस पॉइंट पी को सिलेक्ट करें तो इस पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तब इसी फॉर्मूले से हम इस पी की वेलोसिटी जीरो लिखेंगे। तो चलो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पार्टिकल का पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन बनेगा, इस पार्टिकल का पोजीशन अगर वो आर पी वेक्टर है तो क्या बनेगा, ये लेंथ एल है तो आप इसका पोजीशन क्या लिखेंगे, ये बनेगा एल सेक थीटा, हम लिखेंगे एल सेक थीटा इंटू आई कैप, इस पॉइंट पी का पोजीशन हो गया। और इस पूरे एग्जांपल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये है, ये है। तो मैं कह सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
फॉर्मूला वन के अकॉर्डिंग आर पी क्रॉस ओमेगा नेट शुड बी जीरो, क्योंकि पॉइंट पी उसी स्टेटेनियस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पॉइंट पी की वेलोसिटी इज इक्वल टू आर पी क्रॉस ओमेगा नेट। अगर आप ऐसे लिख दिए तो आर पी तो जीरो है ही नहीं, तो अगर इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो करके देखते हैं, जीरो इज इक्वल टू जब इसके इससे क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा और ये आई क्रॉस के जे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एल सेक थीटा इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा साइन थीटा इंटू आई क्रॉस के जे, तो यहाँ पे जे लिख दिया बट ये वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब इस वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। तो ये कन्फर्म करता है कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा साइन थीटा शुड बी जीरो, तो इससे ओमेगा वन की वैल्यू आ गई ओमेगा साइन थीटा। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू दिस लेंथ बाई हाइपोटेंस, जबकि ये लेंथ एल है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख लेंगे और साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे इस लेंथ ए डिवाइड बाई दिस लाइन। तो ये लेंथ रूट 24 ए है और ये लेंथ ए है, तो ये हाइपोटेनस है, तो आप इसको क्या लिखेंगे रूट 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए अपान 5। और यहाँ से देखिए साइन थीटा इज ए अपान 5 ए इन वैल्यू इज 1/5, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई ओमेगा अपान 5। तो एक आंसर मुझे ये मिल गया, इसका मतलब इस पूरे एग्जाम्पल की एंगुलर वेलोसिटी इस जेड एक्सिस के अबाउट जो आ रही है वो कुछ और नहीं ओमेगा बाई 5 है। और इसी एंगुलर वेलोसिटी को एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं कि एंगुलर प्रेसेशन है, तो इस पूरे एग्जाम्पल का एंगुलर प्रेसेशन जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा अपान 5 आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम मेथड 2 यूज़ करेंगे कि इस पूरे एग्जाम्पल की एंगुलर वेलोसिटी इस जेड एक्सिस के अबाउट कितनी है, जिसको अगर कैलकुलेट करना है तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो पॉइंट ग्राउंड पे कांटेक्ट बना रहा है हम उस पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो एक्चुअली उसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो है। चलिए ये काम करते हैं, इस बॉटम पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो बॉटम पॉइंट जो होगा वो डी टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, डी थीटा एंगल घूम जाएगा। तो ये पॉइंट सेंटर ये है, ये सेंटर ये है और ये इस तरीके से दिखेगा और ये एंगल क्या आएगा डी थीटा आएगा और ये जो पॉइंट बनेगा ये डी थीटा एंगल घूमेगा। तो ये पॉइंट डी थीटा एंगल घूमेगा डी टी टाइम और ये जिस ओमेगा से घुमा है वो ओमेगा दिस वन इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अबाउट ओमेगा है, तो डी थीटा अपॉन डी टी भी क्या बनेगा ओमेगा बनेगा। और अगर मुझे इस लाइन क्वेश्चन समझना हो कि लाइन डी टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, तो लाइन डी टी टाइम में यहाँ से यहाँ पर आ गया था, अगर यहाँ से यहाँ पर आ गया तो ये इस एंगल को मैंने डी बीटा बोल दिया, बट ये जो डी बीटा आएगा डी बीटा ये जो जो ग्राउंड पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्स एक्सिस बन रही है वो जिस ओमेगा से घूम रहा है वो ओमेगा कुछ और नहीं ओमेगा वन है। तो ये लेंथ ए के बराबर है और ये जो लेंथ है अगर ये लेंथ रूट 24 है ये लेंथ ए है, तो ये जो लेंथ बनेगा ये लेंथ कुछ और नहीं 5 इंटू ए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट 24 ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू रूट 25 ए का स्क्वायर, तो दिस लेंथ इज 5 है, तो ये लेंथ क्या बनेगा आपका 5 ए बन जाएगा और ये लेंथ ए के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है तो ए बी लेंथ बताइए, तो ए बी जो लेंथ आएगा वो इस लेंथ के सहायता से बनेगा ए डी थीटा, और यही ए बी लेंथ अगर इस लेंथ के हेल्प से मैं पूछूँ तो ये बनेगा आपका ए बी लेंथ इज इक्वल टू 5 ए इंटू डी बीटा। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं बराबर कर सकता हूँ, तो इससे ए डी थीटा इक्वल टू 5 ए इंटू डी बीटा आएगा। अब इसको टी से डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू 5 डी बीटा बाई डी टी बनेगा। अब ये जो डी थीटा बाई डी टी है वो इस पूरे डिस्क का अपने एक्सिस के एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका आप ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 5 और डी बीटा बाई डी टी मतलब ये जो लाइन है इसको और इसको मिलन लाइन वो किस ओमेगा से घूम रही है, ऑब्वियसली वो क्या है ओमेगा 1 है, तो मैं इसको ओमेगा लिख सकता हूँ, इसको ओमेगा 1 लिख सकता हूँ, नाउ ओमेगा 1 इज ओमेगा अपॉन 5। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड अप्रोच टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया
इस अप्रोच में कि जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन ओमेगा अपन फाइव होगा। और ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है इसका।